नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। राजस्थान के जयपुर में भारतीय विकास फाउंडेशन और भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम ने एक इंटरैक्टिव विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित यानी कि STEM कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने ग्रीन केमिस्ट्री, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पेयजल समस्या पर अपने विचार रखे। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों के बीच वैज्ञानिक योग्यता को बढ़ाना था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंटरैक्टिव विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित को लेकर एक STEM कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसे भारतीय विकास फाउंडेशन और भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम ने मिलकर किया। इस कार्यशाला के जरिए STEM के प्रति छात्रों के अंदर रुझान पैदा करना था। इस कार्यशाला की योजना बनाने वाले परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर AP जयरामन सरल तकनीकों के माध्यम से शिक्षकों को उनके छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। Now, a scientist or a student or a teacher has to do experiments. Make it fall, count the time, count the number of bacteria, E. coli, and then measure and decide. Otherwise, you'll have to say, if it falls on the ground, don't eat. Then many times, chocolates will fall and you'll not be able to eat. So we need a number. So that is why for everything you have to do experiment. Life is an experiment. दुनिया के 50 चर्चित युवा वैज्ञानिकों में शुमार डॉक्टर कृष्ण राकेश शर्मा ने ग्रीन केमिस्ट्री के महत्व को बताया, तो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से पहुंचे प्रोफेसर डेविड पोलिया और डॉक्टर लॉरा रिचर्स भारत में जल प्रदूषण पर अपने शोध का साझा किया। इस दौरान रोबोटिक्स पर एक शो भी आयोजित किया गया, जिसे साउथ कोरिया के ह्यू किम और रोशन जॉन ने किया। कार्यशाला के दौरान बिहार के गांवों में मातृ और बाल स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यात्रा करने वाले डॉक्टर तारू जिंदल को मदर टेरेसा पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यशाला में 150 से अधिक विज्ञान और गणित के शिक्षकों ने भागीदारी की। इस आयोजन की सफलता ने देश में भविष्य के अवसरों को बल दिया है। फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।